एक तरफ पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव को लेकर सियासत का सिलसिला अब शुरू हो गया है। जहां कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाए, तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी पाखंडी पार्टी है, दो मुंह राजनीति करती है। उसको इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो अवैधानिक रूप से क्यों करा रहे हैं चुनाव, संविधान का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं, संविधान की पीठ में चाकू क्यों घुसेड़ रहे हैं, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। चुनाव कराना जरूरी है तो क्या अवैधानिक तरीके से चुनाव कराना जरूरी है? कराओ चुनाव। और 15 साल से परिसीमन क्यों नहीं किया था, इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। ये जो है, ये घड़ियाली आंसू बहाने से, रुदालियों की तरह रोने से थोड़ी कुछ होने वाला है। आप जो है, आप संविधान में फिर जो की जो जितनी निंदा करते हैं, जितना अधिनायक बात चला रहे हैं, इसलिए चला रहे हैं क्या कि जैसी मर्जी चाहेगी वैसी चुनाव कराओगे, या जैसा कानून कह रहा वैसे चुनाव कराओगे, इसका जवाब क्यों नहीं देते वो? देखिए, पंचायत चुनाव होना चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं। हम सब इस बात को भी जानते हैं कि कांग्रेस ने, जब उनकी सरकार थी, तब पंचायतों का मनमाने तरीके से परिसीमन किया, आरक्षण में अनेक अनियमितताएं हुई, और इसलिए सरकार ने ये तय किया, चाहते तो हम लोग भी आरक्षण कर सकते थे, चाहते तो हम लोग भी परिसीमन कर सकते थे, वो अधिकार है सरकार को, पर पंचायत के चुनाव डिले ना हो और हर ग्राम पंचायत में, पंचायतों में चुने हुए लोग आए, जो हमारे माननीय गांधी जी का सपना था कि पंचायतें, ग्राम पंचायतें जो हैं वो हमारे लोकतंत्र का हार्ट है। तो इसलिए सरकार ने कहा कि बिना किसी विवाद के जो 2014 की स्थिति है, उस स्थिति में चुनाव करा लेना, हम कुछ कर रहे हैं, और इन्होंने जो गलत किया है वो अपने आप निरस्त हो जाएगा। चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है, तारीखें जारी हो गई हैं, प्रक्रिया तय हो गई है, सारा काम हो गया है, और 2 साल से चुनाव नहीं हो पाए हैं। ये जरूरी है पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधि हो, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि चुनाव हो और सरकार मजबूती के साथ अपना पक्ष माननीय उच्च न्यायालय में रखेगी।